जाता है, देश शुद्ध मनाया जाता है और समझ रहे हैं कि माँ में काफी शक्ति है। वहां से देख रहा हूँ।
भाइयों से निवेदन है कि आप लक्ष्मी माँ का भी ध्यान रखें। हम लोग कठुआ प्रशासन का काफ़ी शुक्रगुजार है कि हमारे इन त्यौहार में काफ़ी मदद की और कल भी मदद करेंगे, काफ़ी हम शुक्रगुजार है। आप इसलिए हमारे जो माता माने हैं धीरे धीरे जाएं, लेकिन जो हमारे भाई रास्ते में खड़े हैं वो रास्ते से अगल बगल हो जाए ताकि हमारे माताएं बहने को प्रति को किसी तरह की परेशानी ना हो। इधर भैया हाथ को बोलिए। आपका क्या नाम है? पूनम सिंह। कहाँ के रहने वाले? यूपी के। आज छठ मैया का पर्व रखा हुआ, व्रत रखा हुआ है जी। कितने दिन हो गए आपने व्रत रखे हुए? हमें हो गए 5-6 साल। 5 सालों में व्रत रखते हुए जी। आज कितना व्रत है आपका? आज दूसरा दिन। क्यों मनाते हैं इसको? इसको हम मनाते हैं, हमारा ये पर्व इसलिए मनाते हैं। आपका नाम? विकास कुमार सिंह। कहाँ रहने वाले हैं? मैं तो बिहार औरंगाबाद। जी जी हाँ हाँ बताएंगे इसके बारे में? हाँ बताएंगे। इससे हम लोग का मतलब कि जैसे बाल बच्चे के लिए अपना लंबी उम्र उसके आगे की ओर तरक्की के लिए घर में सुख शांति परिवार में शांति के लिए करते हैं। इसका मतलब ज़्यादा बाल बच्चे के लिए होता है। हम लोग अपने बच्चे को सुख शांति के लिए विनती करते हैं। नहीं हम भी किए हैं। आपने व्रत रखा? जी जी हम दोनों किए हैं। हाँ दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। दोनों हैं जी। हाँ हाँ बच्चों को सही सलामत। व्रत की क्या विधि होती है? व्रत की विधि क्या होती है? व्रत की विधि होती है जैसे आज के 4 दिन, जैसे आज ये पहला है 28 तारीख से हम लोग 28 को बराते हैं। बिल्कुल घर को क्लीनिंग होगा, कोई चीज़ नहीं ऐसा होगा। 29 तारीख को इसका दिन भर उपवास, शाम में मीठा भोजन होगी। फिर आज हम लोग दिन पूरी रहेंगे, रात रहेंगे, कल सुबह अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान की इसके बाद जल अर्पण करेंगे। आपका नाम क्या है? बस पुष्पा सिंह, हम दोनों बस साथ में ही हैं। जी ये आपके हस्बैंड हैं? जी। आपने व्रत रखे हुए जी? कितने साल हो गए आपको व्रत रखे हुए? हमारा तो 10 साल हो गए। 10 साल ज़्यादा हो गए जी। ये पहली बार कर रहे हैं? ये पहली बार कर रहे हैं? ये पहली बार कर रहे हैं। आप खुश हो नहीं रहे हैं? जी 24 साल मेरे को भी यहाँ हो गया रहते हुए। अनु आप कहाँ के रहने वाले? सर हम यूपी के रहने वाले हैं। आपने व्रत रखा हुआ? हाँ नहीं व्रत रखे हमारे पास वाले लोग तो साथ में आए, हम लोग पूजा करते हैं व्रत को। इस व्रत को बहुत अच्छे से हम लोग मनाया जाता है इसको। इसमें अर्घ सुबह की अर्घ बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ सुबह का अर्घ और शाम को अर्घ दिया जाता है। हम लोग हमारे इनका बालक का मानन है तो साथ में आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और अर्घ डालते हैं हम लोग सभी लोग। हाँ ये यादव कहाँ के रहने वाले हैं? सिटिया। पीछे कहाँ रहते हैं? यूपी बिहार के? कहाँ के? यूपी के। यूपी के? यूपी के। कितने साल हो गए आपको व्रत रखते हुए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए व्रत रखते हुए। तो इसमें क्या पूजा की जाती है? इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए पूजा की जाती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है, अपने बेटे की लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है। आज शाम को अर्घ दे दिया आपने? शाम को अर्घ दे दी, अब सुबह अर्घ देने हैं। अब सुबह देंगे? सुबह देंगे। आपका व्रत खत्म हो जाता है? हाँ सुबह पारण हो जाती है सूर्य को अर्घ देने के बाद। बहुत ही बढ़िया सारे लोग आए हुए हैं, इसके बारे में आप अपनी तरफ से लोगों को किस तरीके से मुबारकबाद दें? देखिए छठ पूजा का जो पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से छठ पूजा की पूरे कठुआ वासियों को, बच्चों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, बड़े बूढ़ों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस अच्छे तरीके से आज हम ये पर्व को मना रहे हैं आगे भी इससे भी बेहतर मनाते रहेंगे।
देखिए CTM मिल बहुत पुरानी मिल है, पिछले 50 साल से ऊपर की मिल है, और इस पर्व को मनाने में CTM का हमेशा सहयोग रहा है। जब भी ये पर्व आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बहुत संख्या में भाई लोग काम करते हैं, और सभी कठवा वासियों को लिए हमने इस जगह को चुना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जगह आके इस पर्व का आनंद ले सकते हैं, इसमें पूजा कर सकते हैं, क्योंकि खुला मैदान है, जिससे कि मेरे ख्याल कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ उपस्थित हैं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हों। तो इसको मनाने के लिए जो भी सहयोग CTM से बनता है वो करते हैं, टेंट लगवाना, पूरी सफाई कराना, पूरा मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी हेल्प लेना। अगर आप आज देखेंगे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ा है, पूरी फौज लगी हुई है, जिससे सेफ्टी सिक्योरिटी जितने भी लोग आए हैं किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो सर, लोकल लोगों का आपको किस तरीके से सपोर्ट रहा है इस पर्व के ऊपर, कठुआ वासियों को जो लोकल हैं यहाँ के? देखिए, लोकल लोगों का CTM को हमेशा सपोर्ट मिला है। जब से ये CTM लगी है, हर एक एक यहाँ का बच्चा, वो हम उसको अपना बच्चा मानते हैं। CTM जो है और जो लोकल लोग हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक हैं। अगर आप देखेंगे हमारी फैक्ट्री में 35% लोकल लोग काम करते हैं, 3,000 से ज़्यादा लोकल लोग काम करते हैं, और उनको हमने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, बसें दे रखी हैं, घर से लेके आते हैं, फैक्ट्री तक लाते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो ये हम लोकल और बाहर का कोई भेदभाव नहीं है, और सब यूनिटी होके एक होके काम करते हैं। ये हमें हमेशा से योग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू सर।